today, let's start with chapter number 9, India, the natural vegetation and wildlife. In this chapter, we will study about India, the natural vegetation or wildlife. देखेंगे मतलब flora and fauna कि animals और plant type कैसी है. Now, flora and fauna form an integral part of country. ये बहुत important natural resources हैं. Grasses हो गए, shrubs हो गए, trees हो गए. ये grow करते हैं on their own without their interference or help from human. इसे क्या कहा जाता है? नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है. हमारी कंट्री में आपको वैरायटी ऑफ रिलेट फीचर्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लैटोस. और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और हमें इंडिया में 5 मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस जो कांटे वाले होते हैं, माउंटेन वेजिटेशन और मैंग्रोव फॉरेस्ट. हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की. ये आपको उन एरिया से मिलते हैं जहाँ पे रेनफॉल हैवी होती है, ये डेंस होते हैं एंड इवन सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड. मतलब ये इतने डेंस होते हैं, इतने मतलब ज़्यादा होते हैं कि जो सनलाइट है वो नीचे पहुँच ही नहीं पाती है. और ये आपको कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो. यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पीशीज मिलते हैं. दे डू नॉट सेट देयर लीव्स इन एनी सीजन. ठीक है, ऐसा नहीं है ये कोई से भी सीजन में अपनी लीव्स को शेड नहीं करते. ठीक है, इनकी रेनी स्टॉप्स होती है वेस्टर्न घाट्स की, प्रिंस ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. ठीक है, यहाँ पे आपको रोजवुड, इबोनी, महोगनी मेन ट्रीज है वो आपको देखने को. नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट. ठीक है, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है. ये आपको फुट हिल्स ऑफ हिमालय माउंटेन्स, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में देखने को मिलेंगे. ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं कम जब ड्राई सीजन आ जाता है. जैसे आपका टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, नीम, पीपल, बैम, ये आपको कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिंग. ये किस टाइप के फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट. नेक्स्ट है थॉर्नी बुशेस, विद सम डेजर्ट वेजिटेशन भी कहते हैं. ये आपको मोस्टली ड्राई एरियाज में देखने को मिलेगी जहाँ पे रेनफॉल स्केयर है. यहाँ पे आपको स्पाइन शेप्ड ट्रीज देख लीव्स मिलेंगी, थिक्स बार्क मिलेंगी, डीप रूट्स. और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर, डीप रूट्स होती है वो ट्रीज को हेल्प करती है मॉइस्चर ड्रॉ करने. यहाँ पे आपको कैप्टी, एकेकिया, खैर, बबूल, कीकर, ये मेन ट्रीज है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. और ये आपको कौन से स्टेट्स में मिलते हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जो ईस्टर्न स्लोप्स है वेस्टर्न घाट्स का और पार्ट ऑफ गुजरात. फिर हम बात करते हैं माउंटेन वेजिटेशन, ये वेरी करती है. ठीक है, विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड और डिक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो उसके हिसाब से क्या करती है? चेंज है. ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल टू एल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. और जो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है ये आपको शिवालिक में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और फिट हिल्स ऑफ हिमालय. और जो साल है यहाँ का इम्पोर्टेंट भी है, जैसे चीर, पाइन और ड्यूडक, ये आपको आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ पे हाइट 1500 से 2500 मीटर होगी. ठीक है, क्योंकि जो कॉनिकल शेप्स होती है इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कॉनी पैरस ट्री. और इनकी जो मतलब कॉन्स क्यों होता है? जिससे क्या कर सके, जो स्नो वगैरह इस पर पड़ती है वो बह के नीचे चिर सके. नेक्स्ट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट, या टिडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है. ये आपको हाई टाइड्स होते हैं जिनसी में वहाँ में. यहाँ पे सर्वाइव करते हैं दोनों, सेलाइन वाटर भी, फ्रेश वाटर भी. ठीक है, ये आपको सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार मिलेंगे. और जो सुंदरी है वो एक डोमिनेंट वेराइटी है जिसका नाम है सुंदरबन टू गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. अब कोई फॉरेस्ट की कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंस होगी. ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस है? ये आपको, ये हमारे नेशनल नेशन की वेल्थ भी है, नेशनल वेल्थ भी कहा जाता है. और ये कुछ फीचर जैसे कि ट्राइब्स अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम देयर फॉरेस्ट, जो ट्राइब्स हैं वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं. वाटर प्योरी फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर और ये ऑक्सीजन रिलीज करता है जिससे हम क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं और हम जिंदा भी. ठीक है, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड और ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्लड को और सॉइल के मॉइस्चर को और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर इकोनॉमी. ये हमें टिम्बर फॉर फर्नीचर और फायरवुड प्रोवाइड करते हैं. ये हमें फॉडर भी देते हैं. क्या देते हैं? फॉडर देते हैं गम, हनी और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स. फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर लाइफ वाइल्ड लाइफ. इन्हें नेचुरल हैबिटेट भी कहा जाता है हमारी वाइल्ड लाइफ के. ड्यू टू रेकलेस कटिंग, देखा ना हमारे जो एग्रीकल्चर लाइट्स को हम इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए डिस्ट्रॉय कर जा रहे हैं, दैट इज नॉट गुड. आप देखा इतनी गर्मी भी इसलिए पड़ रही है. और गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स ले रही है अपने फॉरेस्ट एरिया को बचाने के. अब हम बात करते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ की. फॉरेस्ट हमने देख लिए, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं. इंडिया फॉरेस्ट आर नोन फॉर ग्रेट नंबर.
80,000 स्पीशीज वाइल्ड एनिमल्स की आपको देखने को मिलेगी और 1200 स्पीशीज बर्ड्स की। ठीक है, जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, वो आपको वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और हिमालय रीजन में मिलेगा। और जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात का, उसको होम ऑफ मेजेस्टिक एशियाटिक लायन कहा जाता है। वन हॉर्न डायनासोर लिविंग इन स्वैम्पी और मार्सी आइलैंड ऑफ असम और वेस्ट बंगाल। ये वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन पे, मतलब ये खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, और काजीरंगा मानस पार्क इन असम और जल दापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी होम से डायनासोर की, और एलिफेंट जो है वो सबसे बड़ा मैमल है हमारे अर्थ। ठीक है, और कैमल्स आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ में। मंकी, डियर, चीता, नीलगिरी, वुल्फ, जैकॉल, ये आपको हर जगह मिले। फिर हम बात करते हैं आपके पिकॉक जो नेशनल बर्ड है, ये आप पैरट, किंगफिशर, माई गीज, बुलबुल, डक्स, मैनी फॉरन बर्ड्स जो है वो भी माइग्रेट करती हैं जब वो सीनियर वेदर कंडीशन से क्या करती हैं, एस्केप करती हैं। ड्यूरिंग विंटर जो साइबेरियन क्रेन है वो आती है हमारी कंट्री और दोबारे मार्च में वापस चली जाती है। ठीक है, सेवरल बर्ड सेंचुरी हैव बीन क्रिएटेड एंड अमंग रेप्टाइल्स जैसे स्नेक, क्रोकोडाइल, आपको ये भी इंडिया में मिलते हैं, और आप इसमें से इंपॉर्टेंट है आपका किंग कोबरा, वाइपर और क्रेन। ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेटिंग कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और हंटिंग, ये जो स्पीशीज हैं बर्ड्स के, रेप्टाइल्स के, ये एक्सटेंशन पे आ गए हैं एंड मेनी अदर स्पीशीज हैव ऑलरेडी वाइप्ड आउट। गवर्नमेंट ने नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं एंड इन्होंने क्या करा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बनाना स्टार्ट कर। ठीक है, और देखो यार आपने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी स्टार्ट करा है इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक वाइल्ड लाइफ वीक भी ऑब्जर्व करा है द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, इससे अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है एनिमल्स के हैबिटेट पे। ठीक है, और ये बेस्ट भी है अगर आपको अपनी वाइल्ड लाइफ क्या करना है, सेव कर। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।